दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पुलिस विभाग की बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नवंबर 2021 की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। 10वीं और 12वीं पास के लिए बड़ा मौका निकला है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 4438 वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहां पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल डिटेल इसमें क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं पुलिस भर्ती 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल टेलीकॉम, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड की टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4438 निकली है। इसमें कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी के लिए 4161 वैकेंसीज है, कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए यहाँ पर 154 है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 100 है, कांस्टेबल बैंड के लिए भी 23 वैकेंसीज निकली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2021 की बड़ी भर्ती की अपडेट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 3 दिसंबर 2021 है। रिटर्न एग्जाम की डेट दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में है। बात अगर यहाँ पर सैलरी की जाए तो लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो कांस्टेबल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस और टेलीकम्युनिकेशन है इसके लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल RAC या MBC के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कांस्टेबल जनरल बैंड या टेलीकम्युनिकेशन के लिए मेल जनरल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा 1/1/2004 से 2/1/1998 के बीच में जन्म होना अनिवार्य है, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। फीमेल जनरल कैंडिडेट के लिए 1/1/2004 से 2/1/1993 के बीच में जन्म होना अनिवार्य है। कांस्टेबल ड्राइवर की बात की जाए तो यहाँ पर मेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1/1/2004 से 2/1/1995 के बीच में जन्म होना चाहिए। फीमेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1/1/2004 से 2/1/1990 के बीच में जन्म होना अनिवार्य है। और साथ साथ दोस्तों बाकी की एज लिमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल राजस्थान डोमिसाइल या MBC के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। SC ST जो राजस्थान डोमिसाइल है और EWS जनरल एनुअल इनकम जिनके यहाँ पर 2.5 लाख से कम है उनके लिए यहाँ पर ₹400 फीस है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई मित्रा से जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन सिलेक्शन होगा इसमें रिटर्न टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर। बात अगर इसमें फिजिकल की जाए तो हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर मेल के लिए है केवल 81 से 86, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वेट यहाँ पर ओनली फीमेल के लिए है 47.5 किलोग्राम। रनिंग यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर 25 मिनट में कम्प्लीट करनी होगी, जबकि फीमेल को 5 किलोमीटर 35 मिनट में कम्प्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। police.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in जिसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो चुकी है वर्ष 2021 के लिए। नवंबर 2021 की बड़ी भर्ती की अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो भी डिटेल आप चेक कर सकते हो। और ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क की कंप्लीट डिटेल्स दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर खाली पदों की डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जिला या यूनिट वाइज
कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट के लिए मेल फीमेल की वैकेंसी चेक कर सकते हो। टेबल में कंप्लीट जानकारी दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से चेक कर सकते हो या फिर ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ पर सभी डिटेल चेक कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है। जिलेवार स्टेट वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए आप डिटेल्स में यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सेल यहाँ पर लेवल 5 के अंतर्गत है और यहाँ पर बात अगर एज लिमिट की जाए और क्वालिफिकेशन की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिला पुलिस के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा है इसके यहाँ पर समकक्ष पास होना अनिवार्य है और RAC MBC बटालियन बैंड सहित यहाँ पर मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पुलिस दूरसंचार के लिए यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भौतिक विज्ञान और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंड यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आयु सीमा की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए डिटेल्स में जानकारी दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और साथ साथ क्या एज लिमिट रहने वाली है और यहाँ पर आपको फिजिकल की कंप्लीट डिटेल्स दी गई है जो आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। हम आपको वीडियो में पहले भी जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पर बात अगर रिटन एग्जाम पैटर्न की जाए तो लिखित परीक्षा होगी 150 अंकों की, यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूर संचार के लिए, कांस्टेबल चालक के लिए 150, बैंड के लिए यहाँ पर लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर देख सकते हो अंक दिए गए हैं सभी के लिए। दक्षता परीक्षा सभी पोस्ट के लिए आप डिटेल में यहाँ से जानकारी चेक कर सकते हो। लिखित परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर 150 अंकों का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार के यहाँ पर 150 पर्सन होंगे। 2 घंटे का इसके लिए टाइम दिया गया है, प्रत्येक पर्सन के लिए 1 अंक दे होगा। गलत उत्तर देने पर यहाँ पर 25% अंक काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑफलाइन और OMR बेस्ड यहाँ पर ये एग्जाम होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पैटर्न पूरा दिया गया है। विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60% होंगे, 60 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सांसायिक विषयों पर 35 यहाँ पर प्रश्न होंगे, 35 अंक होंगे। महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून प्रावधान नियमों की जानकारी, इससे संबंधित 10 क्वेश्चन 10 अंक होंगे। और यहाँ पर राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि के लिए 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स है। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स दिए गए हैं। तो दोस्तों पूरा पैटर्न दिया गया है जो आप यहां से रीड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। हिंदी में आपको पूरी जानकारी दी गई है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी हमारे पोर्टल पर लिंक है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां से आप लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।